आशीनगर जोन में मूलभूत सुविधाएं न होने के चलते वहां के नागरिकों द्वारा शुक्रवार को प्रभाग क्रमांक 2 की नगर सेवक नेहा निकोसी के नेतृत्व में ढोल बजाकर आंदोलन किया गया। इस दौरान वहां के नागरिकों ने नारेबाजी कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। प्रभाग क्रमांक 2 में मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई जाने से यहाँ के रहवासी लोगों को परेशानी हो रही है, जिसके चलते वहाँ के लोगों की ओर से शासन को कई बार ज्ञापन दिया गया, किंतु दबाव के चलते प्रशासन में भी छपरक नहीं है। अतः इसका विरोध करते हुए शुक्रवार को आशीनगर जोन कार्यालय में ढोल बजाकर प्रदर्शन किया गया। पार्षद नेहा राकेश निकोसे ने कहा कि गत 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते प्रभाग क्रमांक 2 स्थित समता नगर में पानी घुस गया है। न तो पक्की सड़क और न ही बनाने के लिए मनपा के पास कोई प्रस्ताव है, जिससे अब बारिश के दौरान लोगों को गड्ढे से होकर गुजरना पड़ रहा है। विपक्ष के पार्षद होने के कारण सत्ता पक्ष भाजपा द्वारा निधि आवंटित नहीं की जाती, इससे अब केवल प्रशासन से ही न्याय की आशा है, किंतु प्रशासन भी इसे नजरअंदाज कर रहा है। मैं नेहा राकेश निकोसे प्रभाग 2 ची नगर सेविक आहे। हे माझे प्रभागातले जनता आहे, यांना खूप समस्या आहे। यांच्या लेआउट मध्ये रोड नाही आहे, टीचर होते, ॲम्ब्युलन्स नाही जात, पाण्याची टँकर नाही जात। जर कोणी प्रेग्नेंट व्यक्ती प्रेग्नेंट लेडीज असली त्यांना स्वतःला म्हणजे ॲम्ब्युलन्स नाही जाईल तर तिला त्रास होते, तिच्या बाळाला त्रास होते, शाळेत जायला त्रास होते। अशा गरीब जनतेची अशा जनतेला या लेआउट मध्ये आमच्या माझ्या प्रभागात समतानगर इथे रोड नाही, त्याकरिता आम्ही आशीनगर जोन राठोड साहेब आयुक्त आहे त्यांच्याकडे मोर्चा आणलेला आहे आम्ही। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शुक्रवार को आशीनगर जोन कार्यालय पहुंचने पर वहां के कर्मचारियों ने सहायक आयुक्त को बाहर जाने की जानकारी दी, लेकिन जांच करने पर पता चला कि सहायक आयुक्त राठौर अपने कक्ष में ही बैठे थे, जबकि बाहर से कक्ष को लॉक कर दिया गया था। आज प्रभाग क्रमांक 2 समता नगर की बस्ती के पूरे लोग यहाँ पे आए हुए, क्योंकि वहाँ पे ना चलने के लिए रोड है ना गटर लाइन है, तो पानी जो है बरसात का पानी उससे इतना कीचड़ हो गया, लोगों को इतनी परेशानी हो रही, वो ना दुकान जा सकते ना स्कूल जा सकते ना कोई भी काम के लिए बाहर निकल ही नहीं पा रहे। गाड़ी जो जा रही है वो फंस जा रही है। तो ऐसे में जो राठौड़ साहब है जो यहाँ के आशीनगर जोन के आयुक्त है, उनसे हम मिलने वाले, उनसे हमने टाइम भी लिया था और वो गायब हो गए। इसीलिए आज हमने यहाँ पे ढोल लेकर आया है कि बजाएंगे ढोल, खुलेंगी नींद, आशीनगर जोन के अधिकारी हो जाएंगे भीन। अगर ये काम नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो अधिकारी जो गायब है राठौड़ साहब, तो हम इनकी चेयर वहाँ पे कीचड़ में लगाएंगे और उनको एक नई कैबिन जनता की तरफ से हम वो कीचड़ में देंगे कि उनको पब्लिक की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, उनको पब्लिक की समस्या को समझना चाहिए। अगर वो मांग पूरी नहीं होगी तो हम इनको एक नया कैबिन बना के देंगे समता नगर में। ये जो आशीनगर जोन के जो आयुक्त जो एसी में बैठे है ना, और ये गरीब जनता रोड पे बैठी है, तो हम उनको वहाँ पे एक कैबिन बना के देंगे कीचड़ में कि तुम वहाँ रह के देखो और समझो लोगों की तकलीफ को। इस वक्त वहाँ उपस्थित आंदोलनकर्ताओं ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो जोन आयुक्त के लिए कीचड़ में कुर्सी लगाकर उन्हें नागरिकों की ओर से कीचड़ में एक कैबिन भेज देंगी। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।